ये है जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त, जो कि ज़िला सरगोधा की तहसील कोट मोमन में मिड रांझा के करीब वाक़िया है। ये मकाम मोटरवे से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है और मिड रांझा से तकरीबन ये 3.5 किलोमीटर दूर जगह है ये। और यह दरख्त तकरीबन 3.5 एकड़ पे फैला हुआ है, यानी कि 1.2 हेक्टर्स इसका रकबा है। और इस दरख्त के बारे में कहते हैं कि इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 400 साल पुरानी है, लेकिन कुछ लोगों का अब ये भी कहना है कि ये दरख्त तकरीबन 600 साल पहले लगाया गया था। इस दरख्त को लगाने वाले का नाम हज़रत मुर्तज़ा शाह अलमरूफ रोडे शाह के नाम से वो मशहूर हैं, जिनकी कब्र भी है यहाँ पे, और मैं वो कब्र भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये पाकिस्तान का कदीम तरीन दरख्त है और सबसे बड़ा भी, और ये दुनिया के बरगद यानी बनियान के बड़े दरख्तों में से एक है। अच्छा, ये कब्र है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वही बाबा रोडे शाह की कब्र थी जिन्होंने इस दरख्त को लगाया था, और इस दरख्त ने उस कब्र को अपनी लपेट में ले लिया, और ये इस वक्त इसकी जड़ों के नीचे दब चुकी है। जबकि दूसरी इसके बारे में रवायात वो काफ़ी डिफरेंट हैं, इन चीज़ों से हटके हैं। अच्छा, यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप इस दरख्त को नुकसान पहुँचाएँ तो आपका अपना नुकसान हो जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पर आएँ और हमने देखा है कि यहाँ काफ़ी सारा इसका हिस्सा मकामी आबादी की तरफ से काट दिया गया है। अब या तो ये झूठ है कि मकामी आबादी की तरफ से काटा नहीं गया, या फिर वो रवायत गलत है। इस दरख्त की मेन शाख के बारे में नहीं पता कि वो कौन सी है। एक दरख्त से, एक जो यहाँ से शाख निकलती है उससे फिर ये अपनी जड़ें नीचे फेंकता है, और इन जड़ों से आगे वही जड़ें जो है वो तने की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और वहाँ से आगे फिर नया दरख्त जो है वो पैदा हो जाता है, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। ये दरख्त यहाँ से शुरू होता है और इस तरफ, ये यहाँ पे, और यहाँ से आगे ये इसका मेन एरिया, ये एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है, और उसके बाद यहाँ से फिर इधर, और यहाँ से फिर आगे यहाँ पे, ये सारा भी इसी का हिस्सा है। ये यहाँ से भी, और ये आगे भी इसी दरख्त का हिस्सा है। ये तकरीबन 3 एकड़ रकबे पे फैला हुआ था, लेकिन अभी मकामी आबादी की तरफ से इसके काटने की वजह से ये तकरीबन इस वक्त भी तकरीबन 2 एकड़ रकबे पे फैला हुआ है। लेकिन इस कौमी वरसे की हिफाजत की जानी चाहिए तमाम अथॉरिटीज़ की तरफ से, कि अगर इसको काटने वाली बात में हकीकत है तो वाकई फिर उस पर उन तमाम ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए और इस कौमी विरसे को बचाया जाना चाहिए। अगर आज आपकी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए पाकिस्तान के ऐसे मकामात की वीडियोज़ ही लाता हूँ जो आम तौर पर नहीं दिखाए जाते, और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस, ऐसे मकामात की वीडियोस देखना चाहते हैं जो पहले बाकी लोगों की तरफ से नहीं दिखाई गई, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फीडबैक से मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी यह वीडियो।